नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वात पित्त कफ दोष को आप कैसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वात पित्त कफ दोष जब बाहरी दुनिया से हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर किधर किधर पाया जाता है। मतलब वात दोष सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में किस जगह पे पाया जाता है और उसको आचार्य ने किस तरह से बताया वो मैं आपको बताता हूँ। तो वात दोष जो है वो नाभि के नीचे, अगर नाभि के नीचे जो भी आपका अंग है वो वात दोष की उसमें डोमिनेंसी होती है, उसमें वात दोष की प्रधानता होती है। मतलब कि वहाँ पे वात का कार्यक्रम ज़्यादा होगा। मतलब कि वात का जो भी आपको गुण मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके एक बार ज़रूर देखें। और जो वात का गुण है जैसे हल्का है, रुक्ष है, तो वो सभी चीज़ें आपके नाभि के नीचे उसकी अवस्था ज़्यादा रहेगी। और पित्त दोष जो है वो नाभि से लेकर और आपके छाती तक, यहाँ छाती तक जो है वो पित्त दोष की प्रधानता ज़्यादा होती है। क्योंकि पित्त दोष का काम क्या है, वो गर्म होता है, वो पाचन में मदद करता है। तो आपका जो भी पेट वगैरह ये सभी जो भी ऑर्गन्स है ये सभी पित्त दोष के अंदर ही आते हैं। पित्त दोष उसमें डोमिनेंस रहता है, इसलिए डाइजेशन होता है, ये सभी जो प्रोसीजर होते हैं वो सभी होते हैं। और कफ दोष जो होता है वो छाती से लेकर आपका ऊपर, छाती के ऊपर से लेकर यानी कि गले से लेकर और ऊपर सिर तक, वो कफ दोष की प्रधानता वहाँ पे रहती है। इसलिए आपने जरूर ये आपको महसूस हुआ होगा कि आखिर सर्दी खांसी ये सब क्यों होता है, क्योंकि आप जब ठंडे पदार्थ का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपको होता है। तो उसी तरह आप समझ सकते हैं कि कफ का गुण भी है कि अगर ज़्यादा ठंडा खाएंगे, ज़्यादा अगर आप तेल का चीज़ खाएंगे तो आपका कफ बढ़ेगा। तो इसके ऊपर जितने भी चीज़ें वो कफ वाले हैं, इसीलिए कफ के बढ़ने से हम कहते हैं कि कफ बढ़ गया है तो हम कफ का सिरप लेते हैं। तो कफ दोष को हम उसी तरह भी समझ सकते हैं कि छाती के ऊपर जो भी अंग है हमारा, छाती के ऊपर जो भी हमारे ऑर्गन्स है, आँख है, मुंह है, ये सभी में कफ दोष की प्रधानता ज़्यादा रहती है। तो यहाँ हमने समझा कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष कैसे डिवाइड किया है आचार्य ने, कि उसकी प्रधानता कहाँ ज़्यादा होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि दिन के हिसाब से वात पित्त और कफ दोष कब ज़्यादा रहते हैं। जैसे वात अगर जब ज़्यादा रहेगा तो वात के गुण ज़्यादा उस समय पाए जाएंगे, यानी कि रुक्षता ज़्यादा होना, हल्कापन होना, ठंडा ठंडा ज़्यादा होना, ये सभी चीज़ें वात की प्रधानता में पाई जाएगी। तो वात दोष जब होता है वो कब ज़्यादा होता है, तो शाम को वात दोष ज़्यादा होता है और सुबह में कफ दोष ज़्यादा होता है। इसलिए हम सुबह में जो है हमारा आवाज़ वगैरह भारी रहता है, जो हम बोलते हैं तो उसमें भारीपन महसूस होता है, क्योंकि कफ का गुण क्या है, भारीपन, वो हैवीनेस। तो कफ की भारीपन की वजह से सुबह में जो कफ की बाहर एनवायरनमेंट में कफ दोष की प्रधानता रहती है, कफ दोष उस समय डोमिनेंट रहता है सुबह में, इसलिए हमारे शरीर में भी कफ दोष की प्रधानता होती है। तो कफ दोष की प्रधानता का जो उसका गुण है उसके हिसाब से वो लक्षण दिखाता है। तो लक्षण क्या क्या दिखाता है कि आवाज़ भारी हो जाएगा, आपका शरीर पूरा ऑयलीनेस ऑयलीनेस जैसा थोड़ा सा रहेगा, आप सुबह में पूरा ड्राई नहीं रहता है शरीर, लेकिन आप वही शाम को देखेंगे तो शरीर थोड़ा ड्राई हो जाता है और आपका आवाज़ थोड़ा पहले से बहुत पूरा क्लियर शार्प हो जाता है। तो शाम को वात दोष की प्रधानता होती है। इसलिए जिन लोगों को वात दोष से विकृत हुई बीमारियां रहती हैं, जैसे कि साटिका, गठिया या फिर संधिवात, ये सभी चीज़ों में जोड़ों की दर्द, घुटनों की दर्द, कमर दर्द, इन सभी चीज़ों में उनकी जो दर्द होती है वो शाम को ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वात का गुण है उस समय, वात की प्रधानता है बाहर एनवायरनमेंट में, तो हमारे शरीर में भी वात दोष उस समय बढ़े हुए रहते हैं। और पित्त दोष कब ज़्यादा रहता है? तो पित्त दोष दोपहर में ज़्यादा रहता है। पित्त दोष की प्रधानता बाहर एनवायरनमेंट में देखिए उष्णता रहती है, बहुत गर्मी रहती है, तो वो क्या है, पित्त दोष का गुण क्या है, गर्मी, उष्णता। तो पित्त दोष उस समय बड़ा रहेगा और बाहर एनवायरनमेंट में भी बढ़ा हुआ है, तो उसी तरह हमारे पेट में भी पित्त दोष बढ़ा हुआ रहता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे समझे कि दिन के हिसाब से कैसे वात पित्त और कफ हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद रहता है और कैसे हमारे शरीर में वह काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि वात पित्त और कफ दोष हमारे एज के हिसाब से कैसे रहता है। तो जो बच्चा होता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें कफ दोष की प्रधानता होती है, इसलिए उनको कफ से ज़्यादा जो भी चीज़ें विकृत हुई बीमारियां होती है वो होता है, जैसे सर्दी खांसी जुकाम बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। और पित्त दोष
जो नौजवान होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिनका उम्र 20 साल से लेकर 30 साल तक रहता है उनमें पित्त दोष की प्रधानता होती है। तो वात दोष की प्रधानता जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो ज़्यादा होता है, इसीलिए वात दोष के गुण आप में ज़्यादा हो जाते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है, आपका रुक्षता शरीर में बढ़ जाता है, और रुक्षता बढ़ने की वजह से जोड़ों का दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये अक्सर पाया ही जाता है जो बुढ़ापे की रोग है उसमें। तो इस तरह से हमने समझा कि वात पित्त कफ दोष दिन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और बाहर एनवायरनमेंट के हिसाब से किस तरह से पाया जाता है। धन्यवाद।